बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है कस्टर्ड का शरबत। चलिए शुरू करते हैं। कस्टर्ड शरबत के लिए सबसे पहले हम तुक मलंगा को इसे हम भिगो देते हैं। 2 चम्मच लेना है, थोड़ा सा पानी के साथ। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं ताकि ये फूल जाए। एक लीटर दूध लिया है मैंने, ये इसे हमें पका लेना है। पहले 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, वनीला का लिया है मैंने, आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। उधर हमारा दूध बॉयल हो रहा है, इधर हम ये कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। देखें, बिल्कुल कोई लम्स नहीं है। पहले दूध को देख लेते हैं, दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। पहले 1 प्यारी चीनी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर शरबत के अंदर मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। चीनी अच्छे से घुल जाए, कस्टर्ड ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और मिक्स करते जाएं ताकि लम्स ना बने। 2 से 3 मिनट पकाना है कस्टर्ड डाल के। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं कस्टर्ड को पकते हुए। अब हम गैस को ऑफ कर रहे हैं, इसे हमें ठंडा कर लेना है। इसी तरह आप चलाते रहें ताकि ठंडा हो जाए। तुक मलंगा डाल देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। पिस्ते और बादाम डाल दें। आइस डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा कस्टर्ड का शरबत तैयार है।